अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त नेचुरल रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिससे आपको 3 फ़वाद हासिल होंगे। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, पेट और हिप्स पर चर्बी चढ़ी हुई है, तो इजाफी वजन महीनों में नहीं बल्कि दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप जोड़ों या गठिया के मर्ज का शिकार हैं, तो ये नेचुरल रेमेडी इन अमराज को भी ख़त्म कर देगी। और अगर आप खुदा ना खास्ता दिल के मर्ज में मुब्तिला हैं, तो ये रेमेडी दिल की तमाम बीमारियों का खात्मा करके आपका कमज़ोर दिल मजबूत बनाएगी। ऐसे कारामद नुस्खे के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये नुस्खा न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी बनाएगा बल्कि आपको चाको चौबंद और तंदुरुस्त भी बना देगा। इस नेचुरल रेमेडी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे मुमालिक में रहने वाले बहुत से लोगों ने यूज़ किया है और उन्हें बहुत फ़ायदा मिला है, इसीलिए ये अमेजिंग नेचुरल रेमेडी आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इस बेस्ट 3-in-1 नेचुरल रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊँ, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। और इस रेमेडी के अज्जा में शामिल हैं, आपने लेना है सेब का सिरका, आपने लेना है खालिस शहद, याद रहे कि आपने कुदरती तरीके से बना हुआ शहद लेना है, कंपनी का शहद नहीं लेना, और आपने लेना है लहसुन। इस बेस्ट 3-in-1 नेचुरल रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ़ प्याली ले लें और इसमें आप लहसुन का पेस्ट डालें। लहसुन को छीलकर सिल पर डालकर मैंने पीस लिया था, इसका पेस्ट बन गया। आपने तकरीबन आधा छोटा चम्मच लहसुन के पेस्ट का प्याली में डालना है। लहसुन में नमकियात, फौलाद, तांबा, विटामिन ए, सी और एच वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं। ये जिस्म पर चढ़ी इजाफी चर्बी तेज़ी से पिघलाता है, ये हड्डियों और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म करता है। लहसुन खून में चर्बी की फुटकड़ियाँ बनने नहीं देता। और अब हम इसमें शहद ऐड करेंगे, याद रहे कि आपने खालिस शहद लेना है, कंपनी का बना हुआ शहद नहीं लेना, वरना आपको बेस्ट रिजल्ट हासिल नहीं होगा। इसमें तकरीबन 1 चम्मच खालिस शहद का डाल दें। शहद ग्लूकोज, विटामिन्स और मादनियात से भरपूर बेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये जिस्म का इजाफी वज़न कम करने में मददगार साबित होता है, खसूसन पेट और हिप्स पर चढ़ी चर्बी को पिघलाता है। ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को मुनासिब सतह पर लाकर दिल को ख़तरनाक बीमारियों से महफूज भी रखता है। और अब हम इसमें सेब का सिरका शामिल करेंगे। आपने तकरीबन 1 छोटा चम्मच सेब के सिरके का प्याली में डालना है। सेब के सिरके में विटामिन ए और सी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। हमारे प्यारे मजहब इस्लाम में भी सिरके की बहुत अहमियत और फजीलत है। ये इंसानी जिस्म को बहुत से अमराज से बचाता है और जिस्मानी सेहत बेहतर बनाता है। अब चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। आपने उस वक्त तक मिक्सिंग करनी है जब तक सेब का सिरका और शहद लहसुन के पेस्ट में मिक्स ना हो जाएं। ये देखें, हमारी ये अमेजिंग 3-in-1 नेचुरल रेमेडी अब तैयार है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने ये मिक्सचर सुबह निहारमु खाना है। अगर निहारमु नहीं खा सकते हैं तो दिन में किसी भी वक्त खा लें, लेकिन कोशिश करें कि सुबह ही खाएं। ये नुस्खा आपको बहुत से अमराज से बचाएगा। मैं इल्तमास करती हूँ कि प्लीज़ इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसका वाकई में 100% रिजल्ट है। मोटापे, दिल और जोड़ों के अमराज से परेशान मर्द और ख़वातीन, लड़के और लड़कियाँ इस नेचुरल रेमेडी को 1 माह तक ज़रूर यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम तकलीफ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।